है आका तेरे आने से रंग बदला जमाने का, आका तेरे आने से रंग बदला जमाने का। या ध्यान में रहे Oh,
वाला का क्या हुस्न था, उनके सामने हमारे नबी का हुस्न क्या था, लंबा चौड़ा वाकिया है हजरत सुलेखा का और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकिया भी सुना होगा आप लोगों ने, तो पूरी तफसील में नहीं जाता हूँ, बस वो वाकिया जहन में लाइए आपने, ठीक है। शहकार है कुदरत का तेरा हुस्न मेरे आका, शहकार है कुदरत का तेरा हुस्न मेरे आका, शहकार है कुदरत का तेरा हुस्न मेरे उसने यूसुफ सदका आका तेरे खजाने का, आका तेरे आने से रंग बदला जमाने का, रंग बदला जमाने का। महबूब ना गम करना सरे हशर तो उम्मत का, सारी उम्मत के जुबान पे कल कयामत के दिन एक ही नारा होगा, या रब्बी नफसी, या रब्बी नफसी, इसका तर्जुमा जानते हैं आप, लेकिन एक शख्सियत ऐसी होगी जिसके जुबान पे ये नारा नहीं, क्या नारा होगा, या रब्बी उम्मती। तो इस नारे का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उस वक्त भी तड़पते रहे, कयामत के रोज जब फैसले होंगे हमारे उस वक्त भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी फिक्र में रहेंगे, अपनी फिक्र में नहीं हमारी फिक्र में। तो गोया कि उस वक्त में हमारे नबी अलैहि सलाम क्या है, परेशान है, तो ऐसे वक्त में तसल्ली के जो जुमले होते हैं वो सुनिए। महबूब ना गम करना सरे हशर तो उम्मत का, महबूब ना गम करना सरे हशर माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह।